हाँ, शेयर मार्केट रिस्की है, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं वो करोड़पति हो गए, थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाया था तो वो करोड़पति हो गए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रातों रात उनका कन्वर्जन हो गया। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पूरा पैसा मत लगाओ, लालची मत बनना किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा करने हैं तो सिक्योर होके पैदा करना। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 10 ही रुपए शेयर मार्केट में लगाओ, अपना एक वो बना लो। देखो 100 रुपए, अगर आप तरीका बताता हूँ, देखो 100 रुपए आपने कमाए, सब आप मान लो कि पूरे दिन में 100 रुपए कमाते हो, 50 रुपए आपकी सेविंग रखो ताकि आगे घर पे कोई दिक्कत हो जाए, 50% सेविंग रखो, घर पे दिक्कत हो जाए कुछ भी हो जाए तो पैसा, 10% शेयर मार्केट में लगा सकते हो, 10% 10 रुपया शेयर मार्केट में लगा दो। आपको 10 रुपए में शेयर आता है भैया, 10 रुपए में शेयर, उनको पेनी शेयर्स बोलते, पेनी स्टॉक्स बोलते, क्यों नहीं करते हो आप? हर एक बंदा आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? और बैंक में कई लोगों को समस्या क्या है ना, कई लोग ना पैसा आएगा ना, सैलरी का पैसा आएगा या जो भी पैसा आएगा उसको सेविंग अकाउंट में रखते हैं, FD बना देंगे, FD से कुछ नहीं आता है, सब फर्जी बात है, FD से कुछ नहीं आता। पता है आपको, जो बैंक का, जिस बैंक में आपने FD कराई है वही बैंक आप ही के पैसे को शेयर मार्केट में लगा के डबल पैसा कमा रहा होता है, फिर आपको FD के 3-5% दे रहा होता है, 6% जो भी है, अब तो बहुत कम हो गया, 5-6% ही है। तो क्या मिलता आपको FD से? कुछ नहीं मिलता। तो आप काहे को FD में इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे बढ़िया तो आप सीधे शेयर मार्केट में लगाओ। हाँ, शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन पूरा पैसा मैं भी लगाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी इनकम का 10-15% ही शेयर मार्केट में लगाता हूँ। लेट मी टेल यू, अपनी इनकम का 10-15% शेयर मार्केट में लगा के रखा है, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। उसमें आपके दिन मान अच्छे हुए तो आप करोड़पति बन जाओगे, है ना, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और दिन मान अच्छे नहीं हुए तो आपका घाटा भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार भी रहो। लेकिन रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो, और आप सुने हो ना कि रिस्क है तो इश्क है, सुने हो कि नहीं सुने हो?